अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को पढ़कर और इसके बारे में अपने बहुत सारे बहुमूल्य ओपिनियंस दिए हैं। इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ब्रॉडली सभी ने बिल की आवश्यकता को और बिल की स्पिरिट को अप्रिशिएट किया है। कुछ चीज़ें जो ब्रॉडली एक्सप्रेस की गई हैं उनके संदर्भ में मैं कुछ स्टेटमेंट्स देना चाहता हूँ। प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में बहुत लोगों ने कहा है। मैंने जो अपना ओपनिंग रिमार्क किया था उसमें भी मैंने कहा कि 2011 के अंदर जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर स्वयं एक एडवोकेट थे और जब बिल 7-8 साल की यात्रा अपनी कर चुका था, उस समय उन्होंने कहा कि इसको सब कुछ करने के बाद फिर इसके प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में आप देखिए, और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। एक्सपर्ट कमेटी के लोगों के नाम भी मैं दे सकता हूँ। और 2 साल तक उसने प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में, इसके बारे में 4 बड़ी बड़ी मीटिंगें की, बहुत सारे डिस्कशंस किए और सारे के सारे विषयों को एंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से प्राइवेसी जो है वो कंसर्न्स पूरी तरह से इसमें एड्रेस होने चाहिए। और उसके भी करीब 6-7 साल के बाद 2017 तक, जब और फर्दर ये बिल अपनी लंबी यात्रा करने के बाद एकदम पार्लियामेंट के सामने आने की स्थिति में आया था, राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो फाइनल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आधार एक्ट बन रहा है और आधार एक्ट के कंटेक्स्ट में इसको फिर से भेज दो लॉ मिनिस्ट्री में, जबकि लॉ मिनिस्ट्री में 10-12 साल में पता नहीं कितनी बार इसके ऊपर कितनी बारीकी से चर्चा हुई थी। तो फिर आधार एक्ट के परिपेक्ष में इसका पूरा का पूरा जो सेक्शन 6 था उसको जो है रिविजिट करके नए सिरे से इसको लिखा गया। अभी ये जो DNA टेस्टिंग हो रहा है, ये शायद जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए ये बिल बनाया जा रहा है, ये बेसिकली शायद 1% से भी बहुत कम है ये लोग। अभी हम सारे देश में सारे रोज़ हर रोज़ हर व्यक्ति अपना ब्लड टेस्ट कराता है, हर व्यक्ति अपना कोई यूरिन का सैंपल देता है, कोई स्वैब देता है, कोई कुछ देता है। तो अगर हम मिसयूज़ की बात करें तो मिसयूज़ तो किसी भी चीज़ का किसी भी स्तर तक हो सकता है। हर सैंपल जो इस देश का हर नागरिक एक डॉक्टर को पास देता है उसका मिसयूज़ हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो ये प्राइवेसी की बात कही है, पोटेंशियल ऑफ मिसयूज़ की बात की गई है, इस पोटेंशियल ऑफ मिसयूज़ ऑफ DNA सैंपल्स इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बायोलॉजिकल मटीरियल विच इज़ कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन्स ऑफ दिस DNA बिल अलोन। Any and every blood sample collected by a clinical laboratory has the same potential for misuse. With regard to the DNA profiles, I have to say the privacy concerns are minimal, since the information which is to be stored does not reveal, as I said earlier also, any of the traits of an individual. After a sample has been used for generating a DNA profile, it is often important to store the DNA sample in case the profiling has to be repeated for any reason. Such DNA samples are liable for misuse, and the bill provides to prescribe safeguards for proper storage and penal provisions to protect against misuse. बहुत सारे छोटे छोटे suggestions दिए गए हैं, जो कि देखिए जो इतना comprehensive bill होता है उसमें हर एक छोटे से छोटा aspect basic bill के content में कभी include नहीं किया जाता। बहुत सारे पहलू होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के, जिनको रूल्स के अंदर उनको शामिल किया जाता है। जब उसके रूल्स, आप सोचिए कि ये बिल जो है इसको बनने के अंदर जो है और इस स्टेज में आने के अंदर इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स। और इसी प्रकार से इसके जो कोई भी एस्पेक्ट अगर इस बिल के अंदर जो किसी को लगता है कि ये पर्टिकुलर छोटी सी बात जो है इसके अंदर एड्रेस नहीं हो रही है, इसके अंदर जो दूसरे लॉज हैं उसके साथ, इट हैज़ बिल हैज़ द प्रोविजंस टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस और द इंस्टीट्यूशंस एज एप्रोप्रिएट। और फिर इसमें जो इट हैज़ प्रोविजंस टू एंश्योर
प्राइवेसी प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग द एक्यूरेसी सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डीएनए इंफॉर्मेशन, एक चैप्टर 6 है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. देयर आर प्रोविजंस टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डीएनए प्रोफाइल्स, डीएनए सैंपल्स एंड एनी रिकॉर्ड्स देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू और इन कस्टडी ऑफ द नेशनल डीएनए डाटा बैंक और द रीजनल डीएनए डाटा बैंक और ए डीएनए लेबोरेटरी और एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी आर सिक्योर्ड and kept confidential and shall be used only for the purposes of facilitating identification of the person and not for any other purpose. The data maintained in the DNA data bank shall be made available only for the purposes as specified in the bill. इसलिए अभी खासकर शशि थरूर जी को मैं ये थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो बहुत सारे फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए स्पीच ही हैज सेड मेनी थिंग्स. करीब इस बिल को इस स्तर तक लाने के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के बाद 10 साल उनकी सरकार रही. उनकी सरकार में किसी ने इसके ऊपर किसी तरह का भी कोई एप्रीहेंशन एक्सप्रेस नहीं किया. सबने इसको आगे बढ़ाने की ही कोशिश किया. उनका जो एक भी पॉइंट है उसके बारे में किसी ने कहीं कोई, श्री पृथ्वीराज चौहान, श्री कपिल सिब्बल जी, श्री अश्विनी कुमार जी, श्री पवन कुमार बंसल जी, श्री विलास राव देशमुख जी और श्री वेल आर रवि जी और डॉक्टर जयपाल रेड्डी, ये 7 ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो है पिछली सरकार के हैं, उन्होंने भी इस बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. इसलिए मेरा शशि थरूर जी से कहना है कि इसको बहुत गहराई और बहुत गंभीरता से, फिर भी उन्होंने स्पेसिफिकली कई सारी चीज़ें कही हैं. मैंने जैसा अभी कहा कि उनके जो स्पेसिफिक सवाल थे उनका भी छोटा छोटा मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में अभी मैंने कहा, उन्होंने क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा था, चैप्टर 6 में ये बहुत अच्छी तरह से कवर्ड है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड ओनली ऑन नॉन कोडिंग डीएनए डिटेल्स. उन्होंने कोडिंग नॉन कोडिंग की बात की थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, नहीं उसको उन्होंने प्रेमचंद्रन जी ने उसको एंडोर्स किया कि वट एवर ही हैज सेड आई एंडोर्स, इसलिए उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि इन दिस बिल ऑल्सो एग्जैक्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड, ओनली ऑन नॉन कोडिंग डीएनए डिटेल्स विल बी इन द रूल्स. डीएनए प्रोफाइल विल ओनली डिपिक्ट आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. This will be limited only to the specific category and not for the entire population. Privacy issues have also been addressed. Effective consent has been covered broadly in the bill. Details will be under the rules, as I said earlier. This is according to the CRPC. The rules will clearly specify the details of collection and usage of DNA. Removal of DNA profiles has been covered clearly in the bill. जो डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड के मेंबर्स के बारे में भी वो कमेंट करके गए थे, इट हैज़ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक आल्सो, ह्यूमन राइट्स कमीशन आल्सो एंड आल्सो एथिक्स एक्सपर्ट्स आल्सो. फिर इसके बारे में ये बहुत सारे लोगों ने कॉस्ट के बारे में कमेंट किया है. ये जो बिल है ये देश का कानून है और इस कानून के अंदर क्या देश के अंदर कहाँ कहाँ लैब्स बनेगी, लैब बनाने का इस बिल का काम नहीं है, इस मिनिस्ट्री का काम लैब्स को बनाने का काम नहीं. लैब्स तो कंसर्न जो सरकारें हैं, कंसर्न जो मंत्रालय हैं, कंसर्न जो एजेंसीज हैं या दूसरे लोग हैं. ये जो डिटेल्स जो कॉस्ट इसमें प्रोवाइड की है दैट इज़ ओनली फॉर द सेटिंग अप ऑफ द सेक्रेटरिएट. अदर कॉस्ट डिटेल्स एक्चुअली विल बी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल बी टेकन केयर ऑफ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम द रिस्पेक्टेड areas. All details of collection, removal and procedures will be covered under the, there is no linking with the Aadhaar Act. The only protection of information has been synchronized with Aadhaar, as I said in 2017 itself. Law Ministry ne, Sanjay Jaiswal ji ne do baatein kahi hai, unko main unko shayad ye galat fehmi hai ki ये हेल्थ मिनिस्ट्री का इसमें, तो मैं ये सिर्फ बताना, संजय जी को 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि जो पहली जो कमेटी थी जिसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, नितिन गडकरी जी थे, मनोहर पारिकर जी थे, आनंद कुमार जी थे, जगत प्रकाश नड्डा जी थे, जोयल ओराम जी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, निर्मला सीतारमन जी थी, वाई एस चौधरी साहब थे और श्री के मजूमदार, डॉक्टर हर्षवर्धन और मिस्टर अजीत दावल, राजीव महर्षि,
डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट, इसी तरह से स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी, यानी इतनी एग्जॉस्टिव, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी थॉरो कोई कमेटी हो नहीं सकती है। और दूसरी बात जो ये अभी उन्होंने कही कि इसके लिए कोई हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ जो इसका जो चेयरमैन है वो डीबीटी का सेक्रेटरी है, और जो डीबीटी का सेक्रेटरी है वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता है, वो एक साइंटिस्ट होता है और वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड का ही एक्सपर्ट होता है। इसलिए इसमें और इसमें जो अपील का प्रोविजन है इस बिल के अंदर कवर किया गया है, मैं समझता हूँ कि संजय जी का जो विषय है इसके अंदर निश्चित रूप से कल्याण बनर्जी साहब ने, वो बहुत लर्नेड लॉयर है और मुझे आई हैव टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू हिम कि उन्होंने इसकी ज़रूरत को भी एंडोर्स किया और इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। इसमें दिस बिल हैज़ ए होल चैप्टर 8 ऑन पेनल्टी एंड ऑफेंसेस विच आई थिंक टेक्स केयर ऑफ ऑल द इशूज, और अगर कोई चीज़ अगर कहीं इशू अनकवर्ड भी होगा तो वी अश्योर दैट इट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द रूल्स इटसेल्फ। देन जो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, इट इज़ फॉर एक्सीडेंट मैटर्स एंड फॉर ऑल शेड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ डीएमए सैंपल्स विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 21 सब सेक्शन 1, फॉर चाइल्ड पेरेंट कंसेंट हैज़ टू बी टेकन एज पर द प्रोविजन इन द बिल। तो इसी तरह से पीके बीजू साहब ने जो बजटरी रिक्वायरमेंट मैंने एड्रेस किया, उन्होंने सारे दुनिया के देशों में क्या क्या हो रहा है वो उन्होंने एक्सप्रेस किया, हमने सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्टडी करके इसके अंदर जो उन्होंने बातें कही है दूसरे देशों की, जो पढ़ के सुनाया है, वो सारा का सारा हम लोगों ने इसके अंदर जो है इंश्योर किया है। और इसी तरह से फाइनेंशियल मेमोरेंडम के बारे में बात किया गया है, डॉक्टर गौड़ साहब ने भी जो बातें की है वो सारी की सारी जो है इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, और अगर कुछ नहीं भी है तो वो रूल्स के अंदर कवर होगा। कौशलियन जी ने थैंक यू सपोर्ट किया, एंड आई थिंक जो एनके प्रेमचंद्रन जी ने जो एक अमेंडमेंट जिसका जिक्र किया है, ऐसे तो जब वो अमेंडमेंट की बात करेंगे तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि दिस प्रोविजन इज ओनली फॉर हेनियस क्राइम्स, सेक्शन 53A ऑफ द CRPC 2005 अमेंडमेंट, एंड ऑलरेडी हैज़ ए प्रोविजन फॉर ब्लड सैंपल्स टू बी कलेक्टेड विदाउट कंसेंट और मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर सर्टेन ऑफेंसेज, रेप और अटेम्प्ट टू रेप। अदर कंट्रीज लाइक US, UK, अर्जेंटीना एंड स्कॉटलैंड हैव सिमिलर प्रोविजन्स विच अलाउ कलेक्शन ऑफ सैंपल्स बाय द ऑर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर विदाउट कंसेंट और मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर सिमिलर हीनियस क्राइम्स। इन द प्रपोज्ड बिल दिस प्रोविजन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड ऑफेंसेज विच आर मोर देन 7 years, which are more than 7 years yes. imprisonment or death penalty. तो ये basically जो डॉक्टर बूरा साहब ने भी ये clause 21-23 के बारे में, ये consent is mandatory except for specified offences, और ये details of storage, collection, etc. they will all be provided in the rules, I can assure you. और finally जो मिस्टर रामचंद्रन ने जो कहा, तो misuse of DNA profiles has already been broadly and very in detail covered under the penalty and offences, and consent should be allowed for specified offences. This provision is only for heinous crimes, as I said just now. So, अध्यक्ष जी, मेरा ये सभी members से request है कि आपने सबने जिन्होंने भी इसके बारे में comment किया है, at least I am grateful कि उन्होंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, आपने बहुत बारीकी से इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी किए हैं, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस बिल को आपके बीच में लाने से पहले इतनी गहराई से इतनी बार अध्ययन किया है, और मैं स्पेशली अपने प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी स्क्रूटनी के बाद भी जब भी कैबिनेट में जाते थे वो कहते थे और ज़्यादा यहाँ से भी स्क्रूटनी करा लो, और ज़्यादा स्क्रूटनी करा लो। अभी मैंने 12-15 लोगों के मिनिस्टर्स की कमेटी की बात की, उसके बाद जब बिल्कुल फाइनल हो रहा था 2017 में, उन्होंने फिर 4-5 मिनिस्टर्स की राजनाथ जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी, और फिर उस कमेटी ने फिर एक नई बात कर दी, जिसके कारण फिर 6 महीना साल भर उसके ऊपर काम हुआ। इसलिए आई अश्योर यू कि सरकार की इंटेंशन इस बिल के माध्यम से वही है जो 2003 के अंदर देश के प्रतिष्ठित जजेज और लॉयर्स की थी, जिन्होंने हैदराबाद की मीटिंग में ये कहा कि साइंस का प्रयोग जो है वो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में और बेहतर ढंग से करने के लिए दुनिया के देशों की तरह देश को भी कुछ करना चाहिए।
और ऐसा नहीं कि डीएनए कोई अभी पहली बार टेस्ट, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग और दूसरी चीज़ें पहले भी टेस्ट हो रही थी, इसको सारे को रेगुलेट करना, इसका दुरुपयोग कोई ना कर सके, इसके लिए बिल है। इससे कैसे दुरुपयोग है? दुरुपयोग अगर हो रहा होता तो उसको रोकने के लिए ये बेसिकली बिल बनाया गया है। और जैसे जैसे समय के हिसाब से आवश्यकता होगी रूल्स के अंदर, और फिर अगर समय के साथ, अगर एक्सपीरियंस के साथ लगेगा कभी भी किसी स्टेज में भी, तो कोई भी इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाकर ये पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है वो इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकती है। इसलिए अध्यक्ष जी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बिल को पास किया जाए। बहुत लंबे समय से ये चिर प्रतीक्षित बिल है देश के लिए, सारे देश के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।